वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी पे। चलिए, आज का ये शानदार सेशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आज अपन करने वाले हैं, और ये जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ये ओबीजी के होने वाले हैं। किसके? ओबीजी के, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनकोलॉजी के होने वाली है। तो इससे पहले एक क्लास अपन ने की थी ओबीजी की, ये क्लास ओबीजी की क्लास नंबर सेकेंड है। ओवरऑल जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन की जो क्लास है ये क्लास नंबर 5 होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो डायलेटर दिख रहा है ये हैगार डायलेटर होता है। कौन सा डायलेटर होता है? हैगार डायलेटर। तो ये जो इमेज आपको दिख रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई हुई है एग्जाम्स में, ये एम्स के अंदर पूछी गई एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से जरूर देख कर जाएँ। अब इसका काम क्या क्या है, देखिए, इट्स लॉन्ग रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर है? रोड लाइक, एक रोड दिख रही है आपको, ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है। जेंटल कर्व है इसके अंदर, क्या है? कर्व है इसके अंदर, देख पा रहे होंगे आप, इसके अंदर क्या है? कर्व है। टैपिंग टिप है, इट इज यूज फॉर डाइलेशन ऑफ सर्विक्स। इसका यूज किया जाता है किसमें? सर्विक्स को डाइलेट करने के लिए। सर्विक्स को क्या? डाइलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डीएनसी, ये कौन कौन से प्रोसेस करने के काम आती है? डीएनसी, डीएनई, फोदर किल्स ऑपरेशन, स्टेरोस्कोपी, सर्वाइकल स्टेनोसिस, प्राइमरी डिसमिनोरिया में, और इट कैन कोज परफोरेशन। ये क्या? परफोरेशन भी कोज कर सकती है। क्या कर सकती है ये? परफोरेशन कोज कर सकती है इफ टू मच फोर्स इज यूज, अगर ज़्यादा फोर्सफुली किया काम, फोर्स अगर ज़्यादा लगाते हैं तो ये क्या हो सकती है? ये क्या कोज कर सकती है? परफोरेशन कोज कर सकती है। नेक्स्ट, द डायलेटर ऑफ द नंबर एज पर आउटर डायमीटर, नंबर 8 मीन्स आउटर डायमीटर 8 mm का, जितना नंबर का होगा उतना ही नंबर का इसका डायमीटर होता है। फॉर डीएनसी डायलेशन अप टू 8 इज डन, और फॉर एमटीपी डायलेशन, एमटीपी के लिए अप टू 12 तक रिक्वायर्ड होता है। वेरी लार्ज डायलेशन कैन कोज सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, वेरी लार्ज डायलेशन कैन कोज सर्वाइकल इनकम्पिटेंस कोज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और कल हमने एक मैराथन क्लास करी थी, मज़ा आया उस क्लास के अंदर, जो 1.5 घंटे की क्लास थी, मैराथन क्लास थी, वो क्लास नंबर जो थी वो 12 थी मैराथन क्लास। ये क्लास अगर आपको नहीं मिली है तो लाइव वाले प्लेलिस्ट में चले जाना, जो प्लेलिस्ट के लाइव क्लासेस जहाँ पर मैंने करवाई है उसमें ये मिलेगी आपको। और आज जो क्लास हुई थी, क्लास नंबर जो 13 हुई थी सुबह, सॉरी दोस्तों, उस क्लास के अंदर थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन आगे से नहीं होगी, वॉइस प्रॉब्लम हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। आप वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, और यही इमेजेस है जो एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस मैं आपको करवाने वाला हूँ। ये एक फोरसेप्स दी गई है, ये जो फोरसेप्स है ये कौन सी फोरसेप्स है? कोचर फोरसेप्स है, क्लैंप करने के काम आती है कोचर फोरसेप्स। अब इसको याद कैसे रख सकते हो आप? इसकी जो टिप है, इसकी टिप की तरफ देखिए आप, ये जो टिप है इसकी, ये क्या है? इसमें ऐसे दांते से लगे होते हैं, जो क्या काम करते हैं? ये दांते लगे होते हैं ना, ये क्लैंप करने के काम आते हैं। तो ये कोचर फोरसेप्स है, कोचर फोरसेप्स। नेक्स्ट, इसके बारे में और क्या जानेंगे? इसकी इमेज आप अच्छे से देख लें, क्योंकि ये इमेज है, आपसे डायरेक्ट इमेज ही पूछी जाएगी, ये ध्यान रखना आप। तो इमेज को आप अच्छे से देखें, ये इसका जो पार्ट है टिप का, ये अच्छे से इसको पहचाने, इसकी टिप से पहचान हो जाएगी इमेज से। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि इसका यूज क्या क्या है। तो दिस इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर होल्डिंग पेडिकल्स इन हिस्ट्रेक्टोमी। देखिए, हिस्ट्रेक्टोमी जो होती है, क्या होता है हिस्ट्रेक्टोमी क्या होता है? कौन बताएगा हिस्ट्रेक्टोमी क्या होता है? सर्जिकली रिमूवल ऑफ यूट्रस, रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस को सर्जिकली रिमूव कर देना क्या कहलाता है? हिस्ट्रेक्टोमी, सर्जिकली रिमूव करना। द टिप ऑफ द ब्लेड, ब्लेड की जो टिप है
टीथ होते हैं उस पर। देखिए मैंने बताया, ये देखिए टीथ होते हैं इसकी ब्लेड पर, देख लेना आप, ये देख ले हमारी इमेज के अंदर, आगे नीचे इमेज दिखाई गई है टीथ की। ये देखिए ये इसके इमेज में टिप पर क्या है, टीथ है, दांत है, दांत, ये ऐसे दांत है टीथ के, देखो बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये जो टीथ है ये क्या करते हैं, टिश्यू डज नॉट स्लिप, टिश्यू को स्लिप नहीं होने देते, और द ब्लेड कैन आइदर बी स्ट्रेट एंड कर्व, ये स्ट्रेट और कर्व हो सकती है। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज हिस्टेरेक्टोमी टू क्लैंप पेडिकल्स विच आर द ट्रांसफिक्स्ड, इट इज ऑल्सो यूज फॉर साल्पिंगेक्टोमी। क्या होता है साल्पिंगेक्टोमी, साल्पिंगेक्टोमी क्या होता है, फेलोपियन जो ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन जो ट्यूब है उसको सर्जिकली क्या कर देना, रिमूव कर देना, एक्टोमी, सर्जिकली क्या, रिमूव करना, क्या कहलाता है, साल्पिंगेक्टोमी कहलाता है। नेक्स्ट, इन एक्टोपिक और ऊफरेक्टोमी क्या होता है, ऊफरेक्टोमी का मतलब होता है ओवेरी को, ओवेरी को क्या करना, सर्जिकली रिमूव करना। ये क्वेश्चन बनते हैं, देखो जो मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ नॉट ओनली इमेज बेस है, उसके अलावा अदर क्वेश्चंस भी बनते हैं, जैसे हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है, रिमूव कर देना यूट्रस को, रिमूव करना हिस्टेरेक्टोमी होता है। इसके अलावा ऊफरेक्टोमी क्या होता है, ओवेरी को रिमूव करना ऊफरेक्टोमी होता है, साल्पिंगेक्टोमी क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब को रिमूव करना। एक क्वेश्चन और था, पैग सेल किसमें पाई जाती है, बताइए पैग सेल किसमें पाई जाती है, आप बताओगे, आपके लिए होमवर्क है, पटना एम्स के अंदर ये क्वेश्चन आया था, जब एम्स जो था अलग अलग होते थे, पटना एम्स में एक क्वेश्चन आया एम्स में। चलिए इसके बाद बात करते हैं, दिस कैन आल्सो बी यूज फॉर क्लैंपिंग अम्बिलाइकल कॉर्ड, इसका यूज अम्बिलाइकल कॉर्ड को क्लैंप करने के भी काम आता है, न्यू बॉर्न एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फॉर आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली लो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ए आर एम क्या होता है, ए आर एम की फुल फॉर्म कौन बताएगा मुझे, ए आर एम, आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन, आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट, इस इमेज को अच्छे से याद रखना, इसको कोचर फोर्सेप्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कोचर फोर्सेप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं, नेक्स्ट इमेज की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट इमेज बहुत अच्छी इमेज है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। चलिए इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए, इमेज अच्छे से दिख जाए आपको, उसके लिए इसको जूम कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ये जो दिख रहा है अपने को, ये सीरिंज सी दिख रही है, ये जो सीरिंज आपको दिख रही है इसको क्या कहते हैं बताइए, ये सीरिंज नहीं बोलना, ये सिरिंज नहीं है, ये सिरिंज नहीं है, ये है क्या, कार्मन सिरिंज है, कार्मन सिरिंज किसमें काम आती है, मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन में, कार्मन सिरिंज होती है। नेक्स्ट, इसमें दिस सिरिंज यूज्ड फॉर मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन या एंडोमेट्रियल एस्पायरेशन के काम आती है, द कैपेसिटी इज 50 ml, 50 ml की होती है, कैपेसिटी 50 ml होती है, द टिप हैज रबड़ अटैच्ड विद वाल्व, टिप पर रबड़ अटैच होता है। नेक्स्ट, द पिस्टन व्हेन विदड्रॉ कैन बी लॉक्ड, इट क्रिएट नेगेटिव सक्शन टू द रबर अटैच द एट द टिप, प्लास्टिक कैनूला इज अटैच्ड एंड इंसर्टेड इन यूटेराइन कैविटी, द वाल्व इज रिलीज एंड विद नेगेटिव प्रेशर कंटेंट ऑफ द यूटेराइन कैविटी आर सक्ड। देखिए कुछ नहीं, यूटेराइन कैविटी से सक कर कर बाहर निकालना है वेस्ट मटेरियल, दिस शुड बी रिपीटेड टिल कैविटी इज एम्प्टी, जब तक वो कैविटी एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक अपने को जो है ये करते रहना है। कॉम्प्लिकेशन द प्रोसीजर, इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन बिकॉज लिमिटेड सक्शन प्रेशर होता है इसमें। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज अच्छे से याद रखना, इमेज का नाम पूछा जा सकता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत बार एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, आप सभी को बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एम्स के अंदर,
रूबिन्स कैनुला इसको कहते हैं, किसको कहते हैं रूबिन्स कैनुला, इसे कहते हैं, देख लीजिए आप। ये क्या है सबसे पहले तो मैं बता दूं, ये रूबिन्स कैनुला है। क्या है? रूबिन्स कैनुला, देख लीजिए कैसा होता है। ऐसी इसकी टिप होती है, यहाँ पर टिप के ऊपर एक छेद भी होता है, याद रखें आप। ये ऐसी टिप होती है इसकी। इमेज को अच्छे से देखें आप तो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। नेक्स्ट, इसमें क्या है, दिस कैनुला यूज फॉर ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट फॉर इनफर्टिलिटी लाइक HCG, बोले तो हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। क्या? HSG, सॉरी, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी और क्रोमो परट्यूब्रेशन इन लेप्रोस्कोपी, इन हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी रेडियो ओपेक आयोडीन यूरोग्राफीन इज यूज्ड। इसका यूज किस लिए किया जाता है? फॉर लेप्रोस्कोपी। मेथिलीन ब्लू डाई इज इंजेक्टेड थ्रू द कैनुला। दिस कैनुला हैज रबर गार्ड एंड नीड एडजस्टमेंट, इट प्रिवेंट बैकवर्ड लीक ऑफ द डाई एंड दीज टेस्ट आर आल्सो परफॉर्म आफ्टर ट्यूबोप्लास्टी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रूबिन्स कैनुला इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट, इसमें एक और इमेज दी गई है नीचे, देखिए इस इमेज को भी अच्छे से याद रखना आप। ये लीच विल्किंसन कैनुला है। क्या है? लीच विल्किंसन कैनुला। चलिए नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं, नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं दोस्तों। इसी के अंदर एक इमेज और दी गई है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट रियल इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में देख लिए। टिप ऑफ द कैनुला, उस कैनुला की टिप है ये, स्क्रू टाइप की टिप है, देखिए स्क्रू जैसी, ठीक है। दिस कैनुला आल्सो यूज फॉर ट्यूबल पेटेंसी, ट्यूबल की पेटेंसी के लिए, एंड इट इज स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट, कॉनिकल टिप होती है इसकी, कोन जैसी होती है, ऐसा कोन होता है, कोन लाइक टिप है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं, दिस कोन स्क्रूड इनटू द सर्विक्स एंड द डाई इज इंजेक्टेड, डाई इंजेक्ट की जाती है। नेक्स्ट, इसमें और क्या है, देखिए ये कौन सी इमेज है, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये कंबाइंड यूटेराइन मैन्युपुलेटर एंड कैनुला फॉर लेप्रोस्कोपी में काम आती है। कंबाइंड यूटेराइन मैन्युपुलेटर होती है, क्या होती है? कंबाइंड यूटेराइन मैन्युपुलेटर एंड कैनुला फॉर लेप्रोस्कोपी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना अच्छे से इसको। चलिए नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। आप लाइक जरूर करा करें, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको सारी रियल इमेजेस दिखाई जा रही है, सारी की सारी इमेजेस बिल्कुल रियल है। ये क्या है देख लीजिए, यहाँ से इसका पता चल जाएगा ये क्या है। तो ये निडल होल्डर है, निडल होल्डर की इमेज एम्स के अंदर बहुत बार पूछी जा चुकी है, इम्पोर्टेंट इमेज बेस क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन है ये। चलिए इसका यूज क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। इसका यूज, दिस इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर ग्रास्पिंग नीडल एट द टाइम ऑफ सूचरिंग, नीडल को होल्ड करती है, नीडल होल्डर नाम है इसका, नीडल होल्ड करने का काम है सूचर के टाइम, जब सूचर लगता है उस टाइम नीडल को होल्ड किया जाता है इसमें। नेक्स्ट, द इनर सरफेस ऑफ टिप सेरेशन एंड स्मॉल ग्रोज फ्रॉम ग्रास्प एंड कट कर्व्ड नीडल, द बॉक्स जॉइंट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू टिप एंड गिवन एडिक्वेट प्रेशर बिकॉज ऑफ द लेटर लेवर इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इमेज अच्छे से याद रख लेना आप। नीडल होल्डर है, इमेज को अच्छे से याद रखें, नीडल होल्डर। नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं, चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं, चलिए नेक्स्ट इमेज देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं दोस्तों,
ये इमेज बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बार ये एग्जाम में आई हुई है। देखिए ये क्या है, कौन सा फोर्सेप्स है, ये देखिए ओवम होल्ड होल्डिंग, ओवम को होल्ड करने का। देखिए अंडा आकार की होती है, यहां से इसको पहचान सकते हो आप, ये कैसी आकार है, अंडा आकार की है, ओवम होल्डर, ओवम को होल्ड करेगी, ओवम होल्डर है ये। टिप ऑफ ओवम फोर्सेप्स का टिप देख लीजिए, अंडे आकार का है, टिप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसमें टिप देखिए इसका, अंडे के आकार का टिप है, तो ये ओवम होल्डर होती है। इसका यूज किया जाता है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर रिमूविंग द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन वाइट इन वेजिटेबल्स, इनकम्प्लीट अबॉर्शन एंड द एमटीपी ऑपरेशंस। द टिप इज इंस्ट्रूमेंट इज राउंडेड कप लाइक होती है, अवॉइड परफॉर्मेंस परफोरेशन, परफोरेशन को अवॉइड करती है, अवॉइड करती है क्या, परफोरेशन को अवॉइड करेगी। एंड होल्ड द लार्ज टिश्यू, दिस इंस्ट्रूमेंट हैज नो कैच, इसमें इंस्ट्रूमेंट में कैच नहीं होता। एंड दिस इज टू चलिए नेक्स्ट, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, ये क्या है बताइए, ये क्या है, ये पुरेंड्रस डायलेटर है, क्या है पुरेंड्रस डायलेटर, ये भी डायलेटर है याद रखना, इस ऐसा भी डायलेटर होता है, सर्वाइकल डायलेटर हैज गार्ड एंड लॉन्ग टेपरिंग एंड होता है इसका, द गार्ड हेल्प इन प्रिवेंटिंग इंसर्शन बियॉन्ड द लेंथ एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट परफोरेशन। हेयर इज द पिक्चर, इज नंबर 2, 3, 4, 5 रिप्रेजेंटिंग, ये जो नंबर है देखिए ये रहा, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डायमीटर इन एमएम फ्रॉम टिप टू द गार्ड, डायमीटर को इंडिकेट करते हैं। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, ओबीजी का क्लास, ओबीजी की क्लास सेकंड थी, वह टोटल जो है क्लास नंबर 5 रहने वाली है। इसके बाद में डेली आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं अनाउंस कर रहा हूँ कि रोजाना डेली जो है सुबह मॉर्निंग के अंदर 10 बजे 10 AM 10 बजे सुबह डेली एमसीक्यू की क्लास हो रही है, जो बहुत ही शानदार क्लास हो रही है, और डेली आपको नाइट में, डेली नाइट में 9 बजे, डेली नाइट में 9 से 9:15 बजे के बीच में स्टार्ट हो जाती है क्लास, बेल आइकन दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो इमेज बेस क्वेश्चन की क्लास होती है, इमेज बेस क्वेश्चन की क्लास होती है, इमेज बेस क्वेश्चन की वो क्लास होती है, और मुझे समय मिला तो बीच बीच में मैं आपको टाइम बता देता हूँ, फिक्स टाइम 6:30 बजे शाम को मैं आपको प्रोसीजर भी करवाता हूँ, प्रोसीजर भी करवाता हूँ, वो प्रोसीजर लाइव आकर करवाता हूँ, मैं लाइव क्लास लेता हूँ प्रोसीजर की। अभी तक 4 से 5 प्रोसीजर मैं करवा चुका हूं आपको, नेक्स्ट प्रोसीजर जल्दी करवाने वाला हूं जिसका नाम है एनजी ट्यूब, एनजी ट्यूब का प्रोसीजर जल्दी होने वाला है, हो सकता है कल हो जाए, कल नहीं तो परसों पक्का होगा। तो आप जो है डेली ये क्लास जरूर अटेंड किया करें मॉर्निंग के अंदर, इसका नाम मैंने रखा है सक्सेस सीरीज मैंने इसका नाम रखा है, तो इसको आप जरूर 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 ये क्लास आप जरूर लेना दोस्तों, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली रात को 9 बजे से 9:15 बजे के बीच में इमेज बेस्ड क्वेश्चन की क्लास आती है, छोटी सी क्लास रहेगी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी, उसमें बहुत सारी इमेजेस आपकी क्लियर हो जाएगी, और शाम को 6:30 बजे प्रोसीजर की लाइव क्लास कंडक्ट करवाते हैं जब अपने को समय मिलता है। ये गिफ्ट ऑफर आपके लिए, गिफ्ट है यू मानो, सभी गिफ्ट ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, और जल्दी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही, टेस्ट सीरीज वो होगी अपनी वेबसाइट पे जो लॉन्च करेंगे हम, वेबसाइट अभी लॉन्च की नहीं है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है, आप सभी के लिए कंटेंट अच्छा लेकर आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक हर एक वीडियो को, थैंक यू सो मच।